नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर लाया खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, 2016 की तुलना में 2018 में हमारे देश में कैश फ्लो बढ़ गया है। आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2016 में ठीक नोटबंदी के पहले देश में 17 लाख करोड़ कैश मार्केट में थी, लेकिन अप्रैल 2018 तक का जो फिगर आरबीआई ने दिया उसमें मार्केट में कैश फ्लो 7% बढ़ा है। इसका मतलब 18,25,000 करोड़ कैश मार्केट में है। इसके मायने यह है कि नोटबंदी के समय यह बोला गया था कि नोटबंदी की वजह से मार्केट से कैश कम हो जाएगा, वो गलत निकला। नोटबंदी के समय बोला गया था कि नोटबंदी के बाद नकली नोट बंद होंगे, मार्केट में कैश फ्लो कम होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगे, काला पैसा सरकार जमा करेगी और इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट होगी। ये दो फिगर देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि नोटबंदी के समय जो बोला गया था वो गलत साबित हुआ। पिछले 4 साल में जनधन योजना के तहत इस देश की 79% आबादी बैंक से जुड़ गई, लेकिन वस्तुस्थिति यह है जनधन योजना के तहत जो 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे उसमें से 38% बैंक अकाउंट ऑपरेट ही नहीं हुए। बैंक डिपॉजिट की बात करें तो रिपोर्ट बताती है वर्ष 2017-18 में बैंक डिपॉजिट्स की जो बढ़ोतरी हुई वो मात्र 6.75% हुई। यह बढ़ोतरी पिछले 5 दशकों की सबसे छोटी यानी कम बढ़ोतरी है। खबर के पीछे की खबर यह है, नोटबंदी के बाद सरकार ने कहा था नोटबंदी के कारण ब्लैक मनी बाहर आएगा, नकली नोट बंद हो जाएंगे, आतंकवादी घटनाओं पे अंकुश लगेगा और बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बोलती है कि जो कुछ भी सरकार ने कहा सब गलत साबित हुआ। आतंकवादी घटनाएं उतनी ही है, ब्लैक मनी अभी सरकार के पास पहुंचा नहीं, नकली नोट से मार्केट भरा पड़ा हुआ है और बैंकों में डिपॉजिट कम हो गया क्योंकि लोगों का बैंकों के ऊपर से विश्वास उड़ गया और जो कैश मार्केट में कम होनी थी वो फिर बढ़ गई। क्या नोटबंदी की असफलता सरकार स्वीकार करेगी? क्या इस असफलता को देखते हुए सरकार कोई और कदम उठाएगी जिससे इस देश में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।